जामतारा ब्लॉक परिसर में जिले के सभी आंगनवाड़ी महिलाएं जो किसी और रोग से ग्रस्त हैं उनके उपचार के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। कोविड महामारी की वैक्सीन देने के साथ साथ ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जो 50 से 60 वर्ष की हैं, जो अपना उपचार नहीं करवा पा रही। उनका उपचार क्राइटेरिया मेडिकल विभाग के द्वारा बिल्कुल मुफ्त करवाया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। शिविका घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि उनके भी वैक्सीन वो लगवा ले, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, यही लक्ष्य रहेगा। जो बैठक बुलाए हैं कोविड 19 के लेकर के, क्या नियम बताया जा रहा है? इसमें नियम ये बताया जा रहा है, सभी आंगनवाड़ी क्षेत्र के अपने अपने पोषक क्षेत्र में 60 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं वैसे महिला पुरुष का सूची तैयार कर उपलब्ध कराएंगे, और एक सर्वे होगा 45 से 59 वर्ष के वैसे व्यक्ति, कुछ बीमारियां हैं जो क्राइटेरिया मेडिकल विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसे हम लोग सेविकाओं को ग्रुप में डाल दिए हैं। उससे व्यक्ति को चिन्हित कर उनका सूची बनाएंगे और सूची हम लोग को उपलब्ध कराएंगे, हम लोग के द्वारा मेडिकल विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, और वैक्सीन सेंटर सेशन साइट तक सेविकाओं के द्वारा उनको पहुँचाया जाएगा। साथ में उनके अंदर ये वैक्सीन लेके जो एक गलतफहमी, एक डर ग्रामीणों के बीच में है, उस डर को दूर करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर में सेविका के द्वारा वैक्सीन लिया गया है। सेविका उदाहरण के तौर पर अपने को देंगी कि मेरे द्वारा भी इस वैक्सीन को लिया गया है और मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? नियुति दास, महिला पर्यवेक्षिका जामतारा सदर। क्या आप लोग आज का प्रोग्राम क्या है? आज हमारे यहाँ कोविड 19 से रिलेटेड जितने भी 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और 45 से 59 साल के बीच में जितने भी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन मुहैया कराने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हम लोगों को आज ट्रेनिंग दिया जाता है। जितने भी मतलब बीमार आदमी, उन लोगों का वैक्सीन जरूरी है, इसलिए उन लोगों को वैक्सीन लगवा देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीमा सिन्हा, केंद्र हरिपाड़ा। आप सेविका हैं? मैं सेविका हूँ। जामतारा से शशि जोशी की रिपोर्ट।